जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। आज मैं आपसे बात करने आई हूँ आपके घर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन को लेकर। लेकिन यहाँ पर इस डायरेक्शन में एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, चाहे ये आपके घर की ईस्ट डायरेक्शन हो या फिर वेस्ट हो या फिर नॉर्थ हो या फिर साउथ हो, कोई भी डायरेक्शन हो, आपने इन बातों का ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि ये है आपके घर की मोस्ट पॉजिटिव वेलकमिंग एनर्जी डायरेक्शन। ये है आपके घर का मेन गेट। अगर आप अपने घर का मेन गेट गंदा रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए नेगेटिव एनर्जीज को इनवाइट करते हैं। हालांकि इस बात को लेकर मैंने वीडियो पहले भी बनाया है, लेकिन शायद उसमें कुछ बातें रह गई थी क्योंकि उसके नीचे आप लोगों के सवाल बहुत थे, तो मैंने सोचा आज फिर से मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक समझा सकूं कि घर का जो मेन गेट है वो कैसा होना चाहिए। आपके घर का मेन गेट कभी भी गंदा नहीं होना चाहिए। आपके घर का मेन गेट कभी भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके घर का जो मेन गेट है वो ही सबसे पहली चीज है कि जब भी घर के बाहर से कोई चीज आती है तो आपके घर के मेन गेट से होते हुए आती है। तो ऐसे में अगर आपके घर का मेन गेट गंदा होता है तो इट मींस यू आर इनवाइटिंग नेगेटिव एनर्जी टू योर हाउस। अगर आपके घर का मेन गेट टूटा फूटा होता है, आपके घर की दहलीज टूटी फूटी होती है, इसका मतलब है कि आपकी किस्मत टूटी फूटी है, क्योंकि आपके घर का मेन गेट आपकी किस्मत का जो ताला है ना, उसकी चाबी है। आप ये समझ लीजिए, आपका घर अंदर से कितना ही क्यों ना चमक रहा हो, लेकिन अगर आपका मेन गेट खराब है, टूटा फूटा है या गंदा है, तो ये आपके लिए परेशानियां बढ़ाता है। आपके घर के मेन गेट के बाहर अगर अंधेरा रहता है तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा परेशानियों का कारण माना जाता है। आपके घर का मेन गेट अगर आपने क्लटर करके रखा हुआ है, वहीं पे आपने शू रैक रखा हुआ है या फिर वहीं पर आपने गमले बहुत सारे रख दिए हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी आपके लिए मुसीबतों का कारण बनता है। अपने घर के गेट को हमेशा क्लीन रखिए और एक पैसेज इस तरह बनाइए कि जब भी आपके घर में कोई अंदर आ रहा है तो उसको अंदर आने के लिए परेशानी ना हो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके घर का मेन गेट अगर आपने अपने घर के घर का जो मेन गेट है उसके जस्ट डायरेक्टली पीछे सोफा रखा है या कोई भी आपने ड्रॉर या कैबिनेट रखा है और आपके घर का मेन गेट पूरा नहीं खुल रहा है, तो ये भी आपकी लाइफ में परेशानियां देता है। इसका मतलब है कि आपने अपनी किस्मत के रास्तों को आधा ब्लॉक कर दिया है। आपके घर का मेन गेट हमेशा, जब भी कोई भी बाहर से आने वाला व्यक्ति आ रहा है या आप लोग भी बाहर जा रहे हैं, तो वो प्रॉपर पूरा खुलना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। आपके घर का मेन गेट अगर खोलते या बंद करते टाइम आवाजें कर रहा है तो इसका मतलब है आपकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह खराब है। तो ऐसे में आज ही आप अपने घर के गेट को रिपेयर कराइए, क्योंकि कहीं ना कहीं छोटे छोटे लालच के पीछे हम अपने बड़े बड़े नुकसान करवा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते या उसको ठीक नहीं करा सकते, लेकिन कई बार क्या होता है, समय नहीं है ठीक कराने का। लेकिन आज आप एक बात बहुत ही जरूरी समझिए कि जो आपके घर का दरवाजा है ना, ये आपकी किस्मत, जैसा कि मैंने कहा, उसको चमकाने का दरवाजा है। जैसे आप लोग पूछते हैं ना, जब अपनी जन्म कुंडली दिखाते हैं तो मुझसे कहते हैं ना, मैम हमारा गोल्डन टाइम कब आएगा, तो उस गोल्डन टाइम के लिए ये गोल्डन वे है आपका, ये गोल्डन रास्ता है आपके लिए। अपने घर के मेन गेट को हमेशा क्लटर फ्री रखिए। अपने घर के मेन गेट पे अगर आप फ्लावर्स लगाते हैं या प्लांट्स लगाते हैं तो उनका बहुत जरूरी ध्यान रखिए कि वो सूखे हुए नहीं होने चाहिए। अगर सूख गए हैं, पत्ते बिल्कुल ड्राई हो गए हैं, तो उसको हटा दीजिए। टाइम टू टाइम देखते रहिए कि सूखे पत्ते ज्यादा तो उसमें इकट्ठे नहीं हो गए हैं। आपके घर के मेन गेट पर आप खुशबू वाली चीजों का प्रयोग जरूर करिए, क्योंकि माता लक्ष्मी को सफाई और खुशबू से बहुत प्यार है। आपके घर के मेन गेट की चौखट टूटी फूटी ना हो,
कई बार देखा गया है कि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, हम रंगोली बनाते हैं, हम तोरण लगाते हैं, है ना। कुछ लोग आम के पत्तों का तोरण लगाते हैं, कुछ लोग अशोक के पत्तों का तोरण लगाते हैं, कुछ लोग फूलों का तोरण लगाते हैं। तो जिस दिन पूजा होती है या हवन होती है, हम तोरण तो लगा देते हैं और तोरण लगाकर फिर वो छोड़ देते हैं। और फिर क्या होता है कि जो भी हमने तोरण लगाया था वो सूखा रहता है और वो लगा ही रहता है, हम उसको भूल जाते हैं, क्योंकि जिस दिन पूजा थी उस दिन जोर जोश में लगा तो दिया, लेकिन उसके बाद वो वही एज इट इज ऐसा ही छोड़ दिया। सूखे हुए पत्ते, मुरझाए हुए फूल आपके बुध ग्रह को खराब करते हैं, आपके बृहस्पति ग्रह को खराब करते हैं। बुध यानी कि बुद्धि और बृहस्पति यानी कि आपकी समृद्धि। तो ऐसे में आपके घर में दवाइयां बढ़ने लगती हैं, आपके घर में रोग बढ़ने लगते हैं, आपका पैसा जो सेविंग है आपकी बृहस्पति वो निकल के बाहर आने लगती है और बेकार की चीजों में जाने शुरू हो जाती है। तो जब भी आप अपने घर में पूजा पाठ करते हैं तो तोरण आपने क्या लगाया उसका खास तौर से ध्यान रखिए, और अगर आपकी पूजा खत्म हो गई है तो 2 दिन बाद आप उसको निकाल कर जल प्रवाह कर दीजिए, या फिर थैली में बांधकर या पेपर में रैप कर, क्योंकि मोस्टली देखा गया है तोरण कलावे में बांधते हैं लोग। तो अगर आप लोगों ने कलावे में तोरण बांधा है या बनाया है तो उसको पेपर में रैप कर या फिर पॉली बैग में ही रैप करके आपको डस्टबिन के अंदर थ्रो करना चाहिए। मेन गेट पर कभी भी आप डस्टबिन ना रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने लिए जो डस्टबिन है यानी कि राहु का जो कारक है, आप राहु को इनवाइट कर रहे हैं। राहु यानी कि कोर्ट कचहरी, बीमारी, दवाइयां, तो ये आपके घर में आप इनवाइट कर रहे हैं। तो जो आप इनवाइट कर रहे हैं वही तो आपके घर में आएगा। जिस तरीके के लोगों को आप अपने घर में बुला रहे हैं वही तो आपके घर में आएंगे। तो मेन गेट पर इन चीजों का ध्यान जरूर रखिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके घर के अंदर आते ही कभी भी स्मेल नहीं आनी चाहिए। अगर आपका किचन सबसे पहले पड़ता है और आपको लगता है कि आपके घर में घुसते ही मसालों की खुशबू आती है, तड़के की खुशबू आती है, तो आप छोटा सा कोई भी अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग एक रूम फ्रेशनर लेकर आप जरूर अपने मेन गेट के पास लगाइए। क्योंकि मैंने कहा ना, अगर आपके घर में एंटर करते ही स्मेल है, खुशबू नहीं है, तो आप राहु की एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, आप केतु की एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड मुसीबतें लेकर आती हैं। मेन गेट पर अंधेरा बिल्कुल मत होने दीजिए। रात को जब आप सोने जाते हैं तो जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं वो कहेंगे कि मैम हम कैसे करें, हमारे तो जो पैसेज की लाइट होती है वो जल रही है। जिनकी कॉरिडोर और पैसेज की लाइट जलती है उनको जरा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनके मेन गेट पर बिल्कुल डार्कनेस और अंधेरा रहता है, और ये जो रात का समय होता है यानी कि राहु का समय होता है, ये नकारात्मक शक्तियों का समय होता है, ये वो शक्तियों के निकलने का समय होता है जिनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, जो अपनी आधी ही उम्र में जिनकी डेथ हो गई और आत्मा बनकर जो इधर उधर भटकते हैं, ये उनका समय होता है। और क्योंकि इन लोगों को ऐसी ही चीजें अच्छी लगती हैं तो ये ऐसी जगह आकर अपना निवास बना लेते हैं। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और माता रानी का जयकारा, जय माता दी जरूर लिखिए। जय माता दी।